अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आप अपने घरों में खुश और आबाद हो गए इंशाल्लाह ताला से। हम भी खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, सब अच्छे हैं। आज ही ना हम शाम को बाहर गए हुए थे तो रात को इतना लेट हो गया था कि अब घर जाके क्या बनाएं, इसलिए भाई ने बोला कि हम यहाँ से बिरयानी लेके चलते हैं, घर पे ही खा लेंगे, यहाँ पार्सल हम करा लेंगे और सब इकट्ठे बैठ के घर पे हम खा लेंगे। तो हमने भी कह दिया कि हाँ भाई, आप जो बोलेंगे हम भी सब साथ में खा लेंगे। तो यहाँ पे भाई बिरयानी पार्सल करा रहे हैं, सब इकट्ठे बैठ के खाने में अलग ही मज़ा है। ये बिरयानी का ऑर्डर भी लेते हैं। अब हम घर आ चुके हैं और सब खाने बैठ गए हैं। चलिए आप भी बिस्मिल्लाह कीजिए हमारे साथ में। आज गरीब नवाज की छठी शरीफ है तो हम खीर बनाते हैं। हर महीने की 6 तारीख को हम फातिहा दिलवाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज का, इसलिए मैं खीर बना रही हूँ। देखिए, मैंने दूध उबलना रख दिया है, अब इसमें चीनी डाल देंगे और ये सूजी है जो हम 2 चम्मच ले लेंगे और इसमें पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और दूध में मैंने 2 इलायची भी डाल दी है। अब दूध उबलने पर हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे और उसे अच्छी तरह से पकने देंगे। इसको हमें हिलाते रहना चाहिए ताकि ये चिपके नहीं और इसके लम्स ना बन जाए, गुठलियाँ। हमारा दूध है ना बहुत ही लेट आता है। हमारे जो भाई है ना दूध वाले, कभी कभी तो 2-2.5 बजे तक आते हैं। हमें कहीं बाहर भी जाना होता हो ना तो इनका वेट करना पड़ता है और उनको कॉल करके बोलना पड़ता है कि आप जल्दी से आइए, हमारे बाहर जाना है। इनकी इस आदत से हमें बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए, हमारी खीर बिल्कुल उबल चुकी है। अब हम इसमें देसी घी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अब ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके इसे धीमी आंच पे अच्छे से पकने देंगे। देखिए, हमारी खीर एकदम से घट हो गई। ये देखिए, पूरियां बनानी है तो आटा गूंथ लिया है और पूरियां बन रही है। तेल भी मैंने गरम रख दिया है, ये हमारी पूरियां तलने रख दी है मैंने। खीर के साथ है ना पूरियां बहुत ही अच्छी लगती है। हमारा सब खाना तो बन चुका है, लास्ट में हमने खीर और पूरी रखी थी क्योंकि पूरियां ठंडी हो जाए तो अच्छी नहीं लगती। सुबह के काम करके लंच बना के हम ना धो के फिर हम न्यास बनाते हैं। अभी जोहर का भी टाइम हो चुका है, अजान भी हो गई है, अब नमाज़ पढ़ के मैं फातिहा दूंगी। गर्मी इतनी लग रही है किचन में, कुछ पकाना हो तो पकाया भी नहीं जाता, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो गई है। देखिए, अभी हमारी पूरियां भी तल गई है, मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ ली है और मैं फातिहा दे रही हूँ गरीब नवाज का। अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे और हलाल रिस्क अता फरमाए और जो बे औलाद है अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद से नवाजे। ये देखिए, 3 बज चुके हैं। यहाँ 1 टेबल स्पून मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया है और ड्राई फ्रूट्स ले लिए और 1.5 चम्मच कोकोनट पाउडर ले लिया है और 1.5 चम्मच दूध ले लिया है और दूध में ही 1.5 चम्मच चीनी डाल दी है और इसे पिघलने दे दिए, रख दिया है मैंने। बच्चे रेसिपी तो बना लेते हैं मगर वॉइस ओवर कर सकते, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। गैस पे एक भगोनी रख दी है, इसमें 1/2 ग्लास पानी रख दिया है। पानी को हम गर्म होने देंगे। बच्चे हैं ना घर में रह के कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं, नया नया हमें सीखना है। अब देखिए,
अच्छी होगी। अच्छी हो गई। मेरा नाम शीजा है। मेरा नाम शीजा है। शीजा कादरी। शीजा कादरी। अस्सलाम वालेकुम। हमारी वीडियो अच्छी है। हमारी वीडियो अच्छी है। तो कमेंट लाइक और सब्सक्राइब कर देना वरना हेलो भाई लाइक कर देना शेयर वाला कम कर देना देख इधर जीजू असा हाय बोला हाय अस्सलाम वालेकुम बोला वालेकुम अस्सलाम देखो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना।